लेकिन वो स्ट्रगल अगर आप देखें और उसके बाद ये 9 अप्रैल के बाद क्या जो आगे का मरहला है, उस मरहले में आपने लोगों को क्या पैगाम दिया कि आप सड़कों पे निकलें, आप रोड्स ब्लॉक करें, आप मज़ाहमत करें, आप वायलेंस करें, और उस वायलेंस के नतीजे में एक मसलसल माइंडसेट, एक पैगाम दिया जाता रहा जहां पर जो इनोसेंट लोग थे वो कल्ट फॉलोइंग के अंदर उनके माइंड्स को जो है वो उनको हाईजैक किया गया और उनके दिमाग में मसलसल जो है वो एक जज्बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, वो आपको पता नहीं पॉलिटिक्स जो है वो नहीं जो है वो करने देना चाहते। मुसलसल एक नफ़रत का जो पैगाम था वो बीज बोया जाता रहा। जो वो बात करते हैं प्रोपेगेंडे की, जो फितने की बात करते हैं, वो असल फितना क्या है? वो यही है कि आप लोगों का 24 घंटे आप टीवी पे बैठ के पीछे पाकिस्तान का परचम पड़ा है। आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर नवाबजदा नसरुल्लाह खान ने भी तो पॉलिटिक्स की है ना। पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे लोगों ने सब्र के साथ अपने वक्त का, अपनी बारी का इंतज़ार किया है। आपसे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको से लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि आप उन्हें लीड करें, आप उन्हें पुरअमन जदोजहद की तरफ लेके जाएं, और पुरअमन जदोजहद का नतीजा था कि आप उनको अपनी सपोर्ट को बैलेट पे लेके जाते। आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता अख्तियार कर लें। बैलेट की बजाय आप ये कह रहे थे कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। और ये एक मसलसल माइंड सेट था। यानी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ, आप लोगों ने कवर किया 14 मार्च का इंसिडेंट था जवान पार्क का, 24 घंटे मजामत होती रही। तो समझ जाएं कि पॉलिटिकल लीडर्स घरों से गिरफ्तार होते हैं, माजी में भी हुए हैं, लोगों ने सालहा जेल काटी है। अगर आप नेल्सन मंडेला की मिसाल देते हैं, 28 साल उसने जेल काटी है, तो नेल्सन मंडेला ने क्या जो है वो लट्ठा बरदार फोर्सेस बना ली थी? क्या आप अपनी यूथ को ये बता रहे थे कि पेट्रोल पम्प बना के पेट्रोल पम्प जलाओ? या आप पुरअमन तरीके से अपने पैगाम को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप जमहूरी अंदाज से चीज़ों को लेके चलते हैं कि आप अपना अल्टीमेट टारगेट जो है वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन 14 मार्च को मतलब एक वारंट आया ना, एक अदालत ने बुलाया, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है, वट एवर, आप उसकी डिटेल में ना जाएं, आपने बज़ाहिर बैग भी तैयार किया हुआ, लेकिन साथ में आप ये भी चाह रहे हैं कि बाहर लोग मज़ामत भी करें, और उस मज़ामत के नतीजे में कितने लोग अमलाक को नुकसान पहुँचा, कितने लोग जख्मी हुए, कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ, किसी भी साइड से हुआ। लेकिन लीडरशिप की क्या जिम्मेदारी थी? लीडरशिप की जिम्मेदारी थी तदब्बुर दिखाना। लीडरशिप की जिम्मेदारी थी, इमरान खान साहब की जिम्मेदारी थी कि वो तदब्बुर दिखाते। इमरान खान साहब की ये जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ, लेकिन आपके लिए लोग लड़े, आपने गिरफ्तार नहीं होना।